नमस्कार दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए भी बहुत जरूरी है और देश के लिए भी बहुत जरूरी है। देश का डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हां, मैं बात करने जा रहा हूं नाविक की, जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है। अभी तक हम जो डिपेंड थे वो पूरी तरीके से यूएस के नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंड थे, जिसको जीपीएस कहते थे। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जीपीएस सिस्टम बना लिया है, अपनी सैटेलाइट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा, अपनी सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन ली जाएंगी और अपना ही सैटेलाइट है वही आपको अब रास्ता बताएगी। इंडियन गवर्नमेंट इसको जनवरी 2023 से मैंडेटरी करने जा रही है। इसके लिए सभी मोबाइल कंपनियों से बात की गई है कि अपने मोबाइल सेट में वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल करके ये सबको दें। इसके लिए मोबाइल कंपनियों ने, आईफोन ने और सैमसंग ने कुछ ऑब्जेक्शन भी किया है, क्योंकि उनकी मोबाइल की कीमत बढ़ रही है। तो इसके लिए सरकार और उनके बीच में बात चल रही है। आखिर नाविक जिसको अर्लियर IRNSS कहा जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाविक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। नाविक मीन्स नेविगेशन सिस्टम विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नाविक का मतलब होगा नेविगेशन सिस्टम विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम होगा जो हमारी कंट्री के लिए काम करेगा और किसी देश के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ हमारी कंट्री के लिए अभी काम करेगा। और 8 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित की गई हैं, जो 36,800 करोड़ रुपये स्थापित हैं लगभग। इसको बनाने में $190 मिलियन का खर्चा आया है। नाविक जो है जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। जिस तरीके से अपना ग्लोब घूमेगा पृथ्वी इंडिया के ऊपर, वो हम उसी तरीके से नाविक भी सैटेलाइट भी घूमती रहेंगी। और एक्यूरेसी रेट जो होगी लगभग 20 मीटर के करीब होगी। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम बनाया है, यूएस के कंपैरिजन में बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी का इसमें काम किया गया है। एक्चुअली ये 2018 में ही डेवलप कर लिया गया था, लेकिन ट्रायल बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा था ये मछुआरों के लिए और ट्रकों के लिए गवर्नमेंट ने इसको मतलब यूज़ करना शुरू किया था, जिससे कि ट्रकों की लोकेशन बताई जा सके और मछुआरे जो दूसरी कंट्री में चले जाते थे, समुद्री सीमा पार कर लेते थे और उनको फिर पकड़ लिया जाता था, जेल हो जाती थी, उस नावों में ये यूज़ करने के लिए एक ट्रायल बेस पे गवर्नमेंट ने काम किया था। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन जो था ये इंडियन सैटेलाइट के थ्रू काम करेगा, 8 सैटेलाइट के थ्रू काम करेगा। और जो यूएस का जीपीएस सिस्टम है वो 55 सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, 55 सैटेलाइट के थ्रू काम करता है। फिर भी नाविक बेटर क्यों है? क्योंकि वो 193 कंट्रियों के लिए काम करता है, उस सिस्टम को 193 कंट्री के लिए यूज किया जाता है, 55 सैटेलाइट है और ये सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगा। तो इसलिए इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इसको कारगर माना जा रहा है और इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। नाविक की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कारगिल युद्ध के समय, अटल जी के समय में इंडियन गवर्नमेंट, जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे क्योंकि दुश्मन के सैनिक हाई एटीट्यूड पर बैठे हुए थे, पहाड़ पर बैठे हुए थे और नीचे का वो हमारे सैनिकों को देख पा रहे थे लेकिन हम लोग वो नहीं देख पा रहे थे, उस समय अटल जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएस गवर्नमेंट से एक मदद मांगी कि हमें उन सैनिकों की इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन यूएस ने साफ मना कर दिया। उसी दिन से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसरो को यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप अपना ही सिस्टम बनाओ, क्योंकि कोई देश हमारी मदद करने नहीं आएगा जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा अपना सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, अपना नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। इस पर काम जब ही शुरू हो गया था, लेकिन बीच में 2005 में क्या हुआ, गैलीलियो के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन का जो जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, उसके साथ मिलकर इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमारी मदद करेंगे और हमें इंफॉर्मेशन देंगे, हम आपके सैटेलाइट यूज करेंगे, आपका नेविगेशन सिस्टम यूज करेंगे और इसको हमारे देश की डिफेंस और सेफ्टी के लिए इसको यूज किया जा सकेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। लेकिन 2006 में क्या हुआ, चाइना भी उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। चाइना जब उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया और उसको नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग बाहर हो गए। उसी समय से हमने शुरुआत कर दी थी, इसरो को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि हम अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे, अपनी सैटेलाइट छोड़ेंगे
और इसके लिए काम होना शुरू हो गया था 2018 में जाके ये नेविगेशन सिस्टम तैयार हो गया। हमने सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी, उसके बाद वो सैटेलाइट हमें राइट इंफॉर्मेशन देने लगी। सबसे पहले इसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ट्रकों में और मछुआरों के लिए यूज़ किया। जो मछुआरे समुद्री सीमा को लांग जाते थे भूलवश या उनको नहीं पता चलता था और वो पकड़ लिया जाता था, उनको पकड़ लिया जाता था तो होता क्या था कि वो फंस जाते थे, बेचारे जेल हो जाती थी, जो और कंट्री हैं उनको वो जेल में डाल देते थे। तो उनकी गलती कुछ नहीं होती थी, लेकिन नेविगेशन सिस्टम के थ्रू, नाविक के थ्रू बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोकी गई। असल में नाविक जो है यूएस सिस्टम से बहुत ही उन्नत किस्म का है। यूएस सिस्टम जो चलता है सिंगल फ्रिक्वेंसी पे चलता है, हमारा नाविक जो है जियो सिंक्रोनस है और जियो स्टेशनरी है, पृथ्वी के साथ साथ घूमे। ये ड्यूअल फ्रिक्वेंसी पे काम करता है L5 एंड S बैंड पे, जबकि यूएस का जो GPS सिस्टम है वो सिंगल बैंड पे काम करता है। इसलिए हमारा नाविक बहुत उन्नत है। 8 सैटेलाइट सिर्फ एक कंट्री के लिए यूज की जाएंगी, क्योंकि ये 8 सैटेलाइट के थ्रू इसका कंट्रोल होगा, ये अपना जो विजन पिक्चर देगा 8 सैटेलाइट के थ्रू हम अपना नेविगेशन सिस्टम यूज कर सकेंगे। जबकि GPS 55 सैटेलाइट के थ्रू चलता है, लेकिन वो 195 कंट्रियों को कैटर करता है, 195 कंट्रियां उसको यूज करती हैं, इसलिए हमारा एक्यूरेसी रेट जो होगा उससे बहुत अधिक अच्छा होगा, GPS सिस्टम से बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि और कौन कंट्रियां अपना नेविगेशन सिस्टम बना चुकी हैं। इंडिया का 5वां नंबर है, सबसे पहले यूएस ने बनाया जिसको GPS सिस्टम कहते हैं, रशिया ने बनाया गैलोनास के नाम से जाना जाता है जिसको, और चाइना ने बनाया बिडेऊ के नाम, BEIDOU बिडेऊ के नाम से जाना जाता है, और यूरोपियन यूनियन ने अपना गैलीलियो सिस्टम बनाया जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे थे। लेकिन अब इंडिया ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो अब आसमान पर भी राज करेगा, आसमान में अपना वर्चस्व बनाया है इंडिया ने, तो ये बड़ा गर्व का विषय है। बधाई देना चाहते हैं हम अपनी गवर्नमेंट को, इसरो को, इसरो के वैज्ञानिक को, जिन्होंने इतना उन्नत सिस्टम बनाया और जो हमारे देश के लिए, हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, हमारे देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत काम कारगर साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये और लोगों को भी जानना चाहिए, तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और इन्फॉर्मेटिव, इनोवेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।